पाकिस्तान सुपर लीग पी एस एल का सातवां सीज़न शुरू हो गया है एक ऐसी लीग जिसने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट को चमकते हुए सितारे दिए हैं एक ऐसा क्रिकेटर जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अगर वो पी एस एल में आ जाता है पी एस एल की टीम में आ जाता है एज एन इमर्जिंग प्लेयर और कुछ कर दिखाता है तो उसके लिए तो यू नो जैसे कहते हैं ना उसका तो करियर बन मेरा नाम आलिया की है और आप सैरबीन देख रहे हैं वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है पी का ये सफर बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा है और बहुत प्रोडक्टिव भी आए आपको कुछ ऐसे चेहरों से मिलाते हैं जो अगर पी ना होता तो शायद हम आप इन्हें इतनी अच्छी तरह से ना पहचानते भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कितनी जल्दी आपको सारी चीज़ें मिले और इतनी जल्दी आप क्रिकेट में नाम कमा सके तो हर पाकिस्तानी की तरह आ, मैंने भी क्रिकेट जो है वो गली मोहल्ले से शुरू की है अपने अमरूद के बाग के काम भी करता आता था, था और उसके साथ अपने गंदम और चावल के जो फसल होता है उसमें भी हमने अपने, अपने जमीन में काम करता एक अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए होती है और जो मुझे लाहौर करेंदर ने उस टाइम दी थी और... बाबा मुझे बहुत फोर्स करते थे कि आप पढ़ो लिखो और एक अच्छा ऑफिसर बनो बहुत ज्यादा खुशी थी पहला एडिशन हो रहा है तो उसके लिए मुझे पिक किया गया है और फिर जब इंटरनेशनल के लिए आ, आ, मुझे कॉल आई तो लिटरली मेरी बॉडी जो है वो शेक करने लग गई कि यार हाँ इस दिन का हम वेट कर रहे थे और आज वो ड्रीम जो है वो पूरा होने जा रहा है जब मैं अल्हमदुल्ला इंटरनेशनल क्रिकेटर बना और पीएसएल खेला और पाकिस्तान टीम के लिए खेला उसके बाद जब वापस गया तो जो चीज़ें चेंज हो गई थी तो बिल्कुल उनके लिए इतनी प्राइड इतनी प्राउड मोमेंट है और फिर 2017 में आ, मुझे आईसीसी ने आ, अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अनाउंस किया आ, विच इज समथिंग बिग फॉर मी। काफ़ी अच्छा फील होता है हाँ और एज यंगस्टर आपको इतनी जल्दी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना तीन फॉर्मेट में और फिर एज यंगस्टर एक फ्रेंचाइज को लीड करना हर साल जो है हर एडिशन में कोई ना कोई आपको इंटरनेशनल एक uh, कोई ना कोई ऐसा प्लेयर मिलता है कि जो आपको इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान के लिए पीएसएल से उभरकर इंटरनेशनल क्रिकेट पर छा जाने वाले प्लेयर्स ने वैसे कम हासिल नहीं किया शाहीन शाह आफरीदी को साल के बेहतरीन क्रिकेटर का आईसीसी अवार्ड मिला 2021 में तीनों फॉर्मेट्स में मजमू तौर पर अठहत्तर विकटें हासिल की मोहम्मद रिजवान टी की आलमी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं साल के बेहतरीन टी क्रिकेटर का आईसीसी अवार्ड हासिल किया और उनतीस टी टी20 इंटरनेशनल मैचेस में 1326 रन बनाए बाबर आजम वनडे और टी की आलमी रैंकिंग में पहले नंबर पर हैं आईसीसी की वनडे और टी टीम्स के कप्तान हैं पिछले साल उन्होंने वनडे इंटरनेशनल और टी में एक रन बनाए और PSL की अब अंदाजन मालियत 50 करोड़ डॉलर है लेकिन ये सफर कोई आसान भी नहीं था टेररिज्म की वजह से कोई फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान आना नहीं चाहते थे और फॉरेन प्लेयर्स के बगैर PSL हो नहीं सकता था वो तो जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान में खेले सारा जो पैसा आता है वो तो ब्रॉडकास्ट राइट right से आता है तो अगर हम दुबई में भी खेलेंगे और वहां अगर फॉरेन प्लेयर्स आ जाते हैं तो सारा टेलीवाइज हो जाएगा सारा पैसा तो वहां से आएगा ये स्टेडियम का पैसा तो पांच परसेंट टोटल बजट का पैसा होता है फिर हमने जाके इसको लॉन्च किया और उससे आपने देखा कितने कामयाब अब हुए फ्रेंचाइजेस के बगैर कोई पी नहीं है और पीसीबी के बगैर फ्रेंचाइजेस कुछ नहीं है ये एक, एक पार्टनरशिप है अगर फ्रेंचाइजेस पैसे लूज करेंगे तो वो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रहेगी दे हैव टू मेक मनी पीसीबी हैज टू मेक मनी तो मैनेजमेंट अगर तकड़ी हो दयानदार हो और कोई इंटरफेरेंस इस्लामाबाद से ना हो तो कोई रीजन नहीं है कि पीएसएल और भी बड़ा होगा और पीएसएल एक बहुत बड़ा कैश काओ बनेगा पीसीबी के लिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ग्रेट एंटरटेनमेंट। तो क्या पीएसएल का आगे का सफर भी इतना ही इंटरेस्टिंग होगा देखिए फ्यूचर तो मुझे ब्राइट ही नज़र आ रहा है पास्ट के अंदर डिफरेंसेस रहे हैं फ्रेंचाइजीज़ के साथ बट आई थिंक मैं बड़ी कंफर्ट के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अब हम एक ही पेज के ऊपर हैं और इकट्ठे इस लीग को बड़े से बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक प्लेयर्स का ताल्लुक है तो वो आप जैसे कह भी रहे थे कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कैलेंडर बहुत ज़्यादा एफ़ जो है वो भर चुका हुआ है दूसरा कोविड की वजह से बहुत इम्पैक्ट आ गया क्योंकि अब आपने आइसोलेशन पीरियड्स भी करने हैं क्वारंटीन भी करना है प्लेयरों का मेंटल और हेल्थ का भी वेलबींग का भी एक इशू आ चुका हुआ है सो so, सब को मद्दे रखते हुए इम्पैक्ट तो हुआ है और आई थिंक थ्रू आउट द वर्ल्ड क्रिकेट में ये इम्पैक्ट आया है लेकिन बात तो यही है कि एट द एंड ऑफ और बी एस एल के सातवें सीजन के आगाज पर पाकिस्तानी और क्रिकेट ट्विटर का क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं डैनियल अलेक्जेंडर ने लिखा पाकिस्तान सुपर लीग का दिन दुनिया की बेहतरीन और मकबूल तरीन क्रिकेट लीग चौधरी कमर ने लिखा आखिरकार पी एस एल एक आलमी ब्रांड बन गया है वाहद लीग है जिसमें बेहतरीन वनडे प्लेयर बेहतरीन टी ट्वेंटी प्लेयर दो हजार इक्कीस का बेहतरीन प्लेयर और बेहतरीन वाइट बॉल कप्तान शामिल है जबरदस्त इब्राहिम ताबिश खान ने लिखा हमारा सबसे बड़ा त्यौहार एक बार फिर वापस आ गया और मियां अजीम ने लिखा हमारी लीग के अलावा दुनिया की किसी लीग में दुनिया के पहले और दूसरे नंबर के बेहतरीन टी20 बैटर्स नहीं है टैलेंट की कमी तो खैर पहले भी नहीं थी लेकिन अब फोकस प्लेयर्स को डेवलप और ट्रेन करने और एक्सपोजर देने पर भी है हर टीम का अपना अलग प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो 3 सालों में 5 लाख से ज्यादा बच्चों का ट्रायल किया आ, पाकिस्तान में बेतहाशा बच्चों को आ, ना सिर्फ ट्रायल किया बल्कि उनको एक उम्मीद दी कि वो भी क्रिकेट खेल सकते हैं वो भी आगे लाइमलाइट में आ सकते हैं और हारिस रौ की सूरत में आ, हमारा ये जो ख्वाब था ये शर्मिंदा तबीर हुआ हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया है जहाँ पे अब सारा साल हमारा ट्रायल्स होते हैं कोई भी बच्चा कहीं भी दुनिया में कहीं से भी आके वहाँ पर ट्रायल दे सकता है और अगर उसमें टैलेंट होगा तो हम उसको ना सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करेंगे सिलेक्ट करेंगे ट्रेन करेंगे बल्कि उसको मौके भी प्रोवाइड करेंगे कि वो दुनिया के मुख्त क्लब्स में अब हमारा यॉर्कशायर में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसी तरह हमारा ऑस्ट्रेलिया में कॉन्ट्रैक्ट है साउथ अफ्रीका के लिए हमारी बातचीत चल रही है तो बेसिकली मकसद सिर्फ यह है कि हम पाकिस्तान की यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा अपरचुनिटीज़ दें और एट दी एंड ऑफ द डे ये सारा टैलेंट जो है ये पाकिस्तान की क्रिकेट को सर्व कर सके तो पाकिस्तान सुपर लीग का पाकिस्तानी क्रिकेट पर कितना असर पड़ा है जितना पी एस एल का रोल है नए टैलेंट को सामने लाने में मेरा ख्याल है शायद ही आ, कोई और जैसे कहते हैं इनिशिएटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म परफॉर्म कर रहे होते हो तो सारी नज़रें भी आप पे होती हैं आपके ऊपर क्राउड का प्रेशर भी होता है ये सारा एक्सपीरियंस आपके लिए एज अ प्लेयर बहुत ही जैसे कहते हैं नेसेसरी है बिकॉज जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म करते हो आपको ये सारे चैलेंजेस होते हैं एंड देन यू आर शेयरिंग ड्रेसिंग रूम्स विद द बेस्ट इन द बिजनेस अगर आप जितने देखें क्या क्या फ़ॉरन प्लेयर्स आए हैं इतना आप सीखते हो एक दूसरे से और वो जो चैलेंजेस हैं कि इतनी बड़ी एक लीग हो रही है कि बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं सारी नज़रें आप पे हैं सो um, so आपके जितने भी इस वक्त टी ट्वेंटी सुपर स्टार्स हैं यूनोस्पो पी एस एल का बहुत बहुत बड़ा हाथ है लोग कहते हैं कि जुनूबी एशिया में पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं एक जुनून है सियासी मुश्किल सिक्योरिटी खदशात और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बावजूद सामने आने वाली और इस तरह कामयाब होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तानी क्रिकेट को वो स्पेस दी जिसमें वो न सिर्फ सर्वाइव कर गई बल्कि अब फल फूल रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टैलेंट को एक मौसर प्लेटफॉर्म मिला है और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को मुस्कुराने और इन्जॉय करने की एक वजह अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप सैरबीन की पुरानी क़स्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं